लाहौरी एथियस से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी अच्छा एक सेकंड, सिड डेव ने कहा नॉन मुस्लिम इन इस्लामिक कंट्रीज आर सब्जेक्ट टू अपार्थाइड। बिल्कुल 100%, मैं ये देख चुका हूँ, इस्लाम मैं खुद फेस कर चुका हूँ। इस्लामिक कंट्रीज प्रैक्टिकल रिलीजियस अपार्थाइड डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। इसमें मतलब इस बात में कोई झूठ है ही नहीं है, बिल्कुल 100% सच्ची बात है। अच्छा जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा पहले मैंने आपको शायद भूल गया हूँ, मैं खुद जो हूँ एक एक्स अहमदी हूँ। हाँ मुझे याद नहीं था वैसे, मगर आप आते रहते हैं अक्सर, इस्लाम पे हाँ हमारी बात होती रहती है। जी जी हाँ तो मैं मसलन अहमदियों ने जो मेरे साथ किया, क्योंकि मैं एक आउट एथियस्ट हूँ अपनी जमात में, और मेरी अपनी फैमिली ने और जमात ने, यहाँ तक कि मेरी जो पेरेंट्स के अंदर जब वफात हुई अभी पिछले दिनों में हुई, मैं मसलन एग्जैक्ट डिटेल नहीं देना चाहता, तो उसमें ये हुआ कि जिस जिस शहर में मैं 20 साल रहा और जमात के अंदर बहुत बहुत खिदमत की, जमात की हर बहुत सारी जमात के अंदर पोजीशन होल्डर जो हमारी एक वो होती है जो वो अहमदिया तंजीम होती जमात है। के जो करतूत हैं वो अलग एक प्रॉपर है। हाँ मेरी पॉइंट, मैं पॉइंट इसलिए एस्टेब्लिश कर रहा हूँ कि मेरे अंदर बायस नहीं कि मैं जमात के हक में, ये नहीं कि मैं सुन्नियों के हक में बात करूं और जमात के हक में बात करूं, मैं बिल्कुल अनबायस्ड हूं इस मामले में। ठीक, तो हमें बचपन से ये कहा गया था जब बड़े हो रहे थे कि आपने किसी को नहीं बताना कि आप अहमदी। ठीक, मुझे जो है जिस तरह के भाई कह रहे थे कि ये अपना प्रचार करते हैं, अपनी प्रीचिंग करते हैं जिसकी वजह से नफरत फैलती है, तो पहली बात यह कि हमें मना किया जाता है कि किसी को नहीं बताना। मुझे जो है वो एक और दोस्त ने जो है स्कूल के अंदर आउट किया, मेरे बारे में बताया कि मैं अहमदी हूँ किसी और ने। ठीक, अच्छा, और उससे क्या हुआ कि मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त भी जो है वो मेरे दुश्मन बन गए अपने स्कूल के अंदर। ठीक, और यहां तक कि वो दूसरों को भी मजबूर करते कि भाई ये कादियानी है, इसके साथ बैठ के खाना, इसके साथ दोस्ती करना जो है वो कुफर है, आप खुद जो है गुनाहगार बन रहे हो, और दूसरों को मजबूर करना शुरू कर दिया। तो इसमें जो आप मुझे बताएं कि इसमें जो भाई कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है, कोई नफरत नहीं है हमारे दिलों में क्योंकि ये प्रचार करते हैं, इसलिए थोड़ा सा अव्वल तो उनकी अपनी ही बात जो है वो अपने अपनी बात से जो है कॉन्ट्रडिक्ट कर गई। पहले वो कह रहे थे इनको कोई मसला नहीं है क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन रन कर रहे हैं, और फिर दूसरे जुमले में वो फरमा रहे थे कि इनके साथ जो मसला है वो इसलिए है क्योंकि ये अपना प्रचार करते यूके में बैठ के। ठीक, तो उनकी अपनी ही बात जो है वो उनकी अपनी बात से जो है वो तकरार कर रही है। वो जाहिर बात है कि अब हर बात करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए भी, और ठीक है कभी ऐसे बंदे को मतलब थोड़ा सा पता भी लगना चाहिए कि ये कैसे सोचते हैं। तो मेन मसला वही था इन द एंड, ये कि यार जिस जिस बात के ऊपर बात को कंक्लूजन की तरफ पहुंचाया बंदा अगले अगली बात पे चला जाता है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि भाई तुम्हें क्यों मौत पड़ती है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को भी ये बात मानने में मौत पड़ती है कि कादियानी के साथ पाकिस्तान में जाती होती है। तो ह्यूमन राइट्स में आए हैं, इनके पास भी काफी स्टैटिस्टिक्स हैं इस वाले से, पर्सनली इनकी काफी बात हो चुकी है कादियानियों के साथ जो ज्यादती है, हमारी प्राइवेट में बात काफी होती रही है, और इनके पास अच्छे खासे स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी हैं और ये लोगों को जानते भी। जी सर जी जी अच्छा ये मैं नवी साहब आए थे, सबसे पहले तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो हमसे बड़े भी हैं और वो तमीज से बात कर रहे थे, एटलीस्ट जैसे आम मोमिन का स्टाइल होता है वो नहीं था, तो मैं पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ अपनी उनका हक भी अपनी बात करने का। देखें अब आते हैं असल में क्या होता है कि जो बेसिक डेफिनेशन है ना, हमारे लोग बहुत PhD भी कर जाते हैं लेकिन वो बेसिक डेफिनेशन को नहीं समझ पाते, जैसे डेमोक्रेसी क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, फेथ क्या है। अब पहले तो जो उन्होंने स्टार्ट किया, पहले तो उनको ये जानना चाहिए नवी साहब को या जो भी, स्टेट का रोल नहीं होता कि वो रिलीजन में किसी को काफिर दे या नॉन काफिर के। सबसे पुरानी पहली बात उन्होंने आते साथ ही जब ये बोला कि इसको कादियानी को वो करने के लिए कंट्रोल या उनपे ज्यादती ना हो कानून बना दिया गया, इससे तो ज्यादती भाई कैसी बात कर रहे हैं, और बढ़ेगी ना जब आप किसी को कहोगे नॉन मुस्लिम है, इससे और ज्यादती बढ़ेगी। ज्यादती कब कम होती, जब स्टेट कहती ये भी मुस्लिम है किसी में हिम्मत, भुट्टो में हिम्मत थी, मौलवियों से पंगा ले लेता, पहली बात। दूसरी अच्छा बात, दूसरा एक क्वेश्चन आया गालिब कुमार, प्लीज गिव रिस्पांस टू कोक एनालॉजी, शुड अहमदीज बी अलाउड टू कॉल देमसेल्फ अहमदी। ओ भाई कोक जो है ना
कोक एक बेजान चीज है, एक एक इन्वेंटेड चीज है, इंसान की चीज है, खुद बनाई हुई चीज है। और प्रॉब्लम यह है कि कोई कोक ना कह सके, वो एक और इश्यू है भाई। आप इंसानों की इस तरह ब्रांडिंग नहीं करते, कोक और पेप्सी की तरह, ठीक है? ये आपकी ब्रांडिंग में, इस एग्जाम्पल में बायसनेस साफ नजर आ जाती है। इंसान इस तरह ब्रांड नहीं होते भाई। क्या इंसान, क्या दो इंसानों का एक नाम नहीं होता? ठीक है, दो इंसानों का एक नाम होता है ना। अहमद एक बंदे का नाम है, दूसरे का भी अहमद है। एक का नाम सलमान है, दूसरे का भी नाम सलमान है। क्या दूसरे बंदे सलमान को ये जबरदस्ती गन पॉइंट पे कहा जाता है कि अब तू सलमान अपना नाम नहीं रख सकता? ये बात गलत है, समझ गए आप? क्योंकि हर इंसान जो अपने आप को कहना चाहता है उसकी इजाजत है, वो कह सकता है, ठीक है? आज तो हम जेंडर्स के बारे में भी उस बात को हम नहीं मानते कि हाँ भाई, जो ये लोग कहते हैं कई जगहों पे कि जी नहीं, हम तो सिर्फ ये मानेंगे कि मर्द और औरत ही शादी कर सकते हैं, हम तो उसको तोड़ रहे हैं। तो आप हमें ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता, इंसान इंसान होता है, ठीक है? और दूसरी बात, जी, हाँ जी मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा। ये जो कोका कोला का एग्जाम्पल था, इस चीज से ये वाजे हो जाता है कि मुसलमानों का सुनी जो मेजोरिटी है पाकिस्तान में, उनके अंदर तासुब कितना ज्यादा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि आपको हम मुसलमानों वाले हकूक नहीं देना चाहते, ठीक है, आपको हम वो ट्रीटमेंट नहीं देना चाहते, वो हम आपके साथ वो जो हमें तकलीफ होती है पूरे हकूक देने में, वो हमें तकलीफ हो रही है। आप हम वादे तौर पर बताएं कि आप जो है नॉन मुस्लिम है, क्योंकि क्रिश्चियन जो है उनके नामों से पता चल जाता है कि वो क्रिश्चियन है, ठीक है, जो ताकि हम अहमदी है आपको उनके प्रॉपरली नामों से पता नहीं डिस्क्रिमिनेट कर लगता। सकें, ताकि हम प्रॉपरली आपको डिस्क्रिमिनेट कर सकें। बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट कर सके। अगर ये लोग यहां पे आते हैं, फर्ज करें अमेरिका में आते हैं, और इनको ये कहा जाता है कि आप अपने आईडी के ऊपर लिखें कि आप मुसलमान हैं, आप फलानी जगह नहीं जा सकते आईडी के साथ, क्योंकि आपके लिखा है आप आईडी पे, आपको टैक्स जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप मुसलमान हैं। आप फलाने हुकूमत के इदारे में नहीं जा सकते अगर आप मुसलमान हैं। मैं कहता हूँ कि ये पूरी दुनिया में रो रो के बताएंगे कि भाई हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, और पाकिस्तान में वो ये मजबूर करें। अगर इनको जो है तासुब कोई नहीं था, तो अगर वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो कहते हैं ये कहें बिल्कुल ठीक है, जिस तरह शिया अपने आप को कहते हैं ठीक है, कहते रहे, जब लोगों को पता चलेगा, और ये अपनी जो है वो प्रीचिंग भी करते हैं, जब लोगों को पता चलेगा कि ये झूठे हैं, लोग इनके मुंह पे थूक देंगे कि भाई हमें तो ये पसंद नहीं है, अब हम ये देखें, तुम्हारे सिड धर्म को डेव नहीं का मानते, मैसेज बात आया खत्म ना, हो गई। सिड डेव की चैट आई है, अहमद इज अ बोगस रिलीजन, मिर्जा अहमद वाज अ कॉन मैन लाइक मोहम्मद, ही क्लेम्ड मिर्जा अहमद वाज अ कॉन मैन लाइक मोहम्मद, जीसस, मूसेस एंड इब्राहिम, ठीक है जी। ही क्लेम्ड जीसस सर्वाइव क्रूसिफिक्शन एंड डाइड इन कश्मीर, हाउएवर देयर राइट्स नीड टू बी डिफेंडेड एंड फ्रीडम टू बिलीव इज देयर बेसिक राइट, ठीक है जी। उनका राइट है, वो जो मर्जी बिलीव करें उनका राइट है ना भाई, क्या बिल्कुल। बात अच्छा, कर एक जुमला सिर्फ बोलूंगा, एक जुमला, आप दोनों से रहे इजाजत हो के साथ। जी। बहुत ही आसानी से डिबंक हो सकता है नवी साहब की बात। उन्होंने ये कहा ना कि पूरा पाकिस्तान नहीं है खिलाफ कादियानियों के, उनका स्टेटमेंट था कि आप समझ कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान ही कादियानियों के पीछे पड़ा हुआ है। इसका सिंपल एक जवाब, कोई एक नॉन कादियानी क्या कादियानी फैमिली में शादी एक फैमिली पाकिस्तान की करके पीस में रह सकती है? नवी साहब इसका जरूर जवाब दीजिएगा कि एक, मैं एक कर रहा हूं, 22 करोड़ में से एक फैमिली ये बोल दे कि मुझे कादियानी लड़की से प्यार हो गया है, फिर आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान, इसका मतलब तो पूरा पाकिस्तानी फोबिया है ना, कादियानी फोबिया। आप फेसबुक चेक करो, आप यूट्यूब चेक करो, जो गंदी गालियां कादियानी को दी जाती है ना माँ हाँ बहन की, ये नहीं नवी साहब नहीं पढ़ते हैं बेचारे, नहीं पढ़ते हैं कि टाइम कहाँ होता होगा बिजनेस के अलावा। भाई हम पढ़ते हैं, हमें मालूम है। एक आखिरी बात, फिर आप दोनों बोलिएगा। मैं जब कराची में था, हमारी गली में तीन कादियानी फैमिली रहती थी, वो तीनों रिश्तेदार थी, ट्रस्ट में, गालिब भाई और दूसरे जो हमारे भाई हैं, इतना तंग करते थे गालिब भाई उनको, उनकी दीवार के सामने कादियानी काफिर लिखते थे, दैट इज कादियानी फोबिया, राइट। मैं खुद उनके घर से पानी नहीं लेते थे, मुझसे, मैंने अपनी आंखों से देखा उनके साथ, यार वो इंसान थे बेचारे और बहुत पीसफुल थे वो, उनकी दीवार के आगे कादियानी काफिर, मिर्जा काफिर, उनसे बातचीत नहीं हो रही, उनसे पानी, ये मैंने अपनी, तो भाई ये शादी का मैं जो बात डिबंक किया ना, शादी करके दिखा दो किसी कादियानी फैमिली और अनाउंस कर दो, बट दैट्स देन यू कैन टॉक नाउ। बिल्कुल सर, देखें फोरम मेहता ने बहुत सही बात की है, बिल्कुल इस पॉइंट का जो जवाब बनता है वो यही बनता है। इफ इस्लाम कॉल्स इटसेल्फ अ बिजनेस,
We can treat it like one. Islam and others are sold as religions, not as Coke and Pepsi. ठीक है जी, तो ये बात है कि यहाँ तो मान लो कि आपका इस्लाम पेप्सी और कोक है, तो फिर हम कह देंगे कि हाँ। शेजान के साथ क्या हुआ? शेजान का कितना इन्होंने नेगेटिव मीडिया किया है भाई, कौन सी इंडस्ट्री? शेजान कंपनी इस वक्त नहीं है कोई भी किसी का कादियानी की। हमने मुझे तो लगता है जर्मनी या फ्रांस से नबी साहब बात कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी जॉब पे कोई ये कह देता था ना मैं कादियानी हूँ, उसकी वो वाट लगती थी, बताते नहीं थे, छुपते हैं कादियानी बेचारे बताते हुए। ये मुझे लग रहा है जर्मनी से कॉल कर रहे थे, जोहान्सबर्ग या ऑस्ट्रेलिया वगैरह से। ये आपको याद होगा कि इमरान खान जो है, इन्होंने अपनी कैबिनेट में एक अहमदी को डालने की कोशिश की थी और पूरा मुल्क कट्ठा खड़ा हो गया था उसके खिलाफ। तो पूरा मुल्क हुआ था ना, यस। तो ये वो अहमदी को कोई आ रहे थे वहां पे कैबिनेट, नहीं वो अहमदी को कमेटी का जो चेयरमैन नहीं बना दिया था ना, ठीक है, उसको इकोनॉमिक कमेटी में शामिल कर रहा था ना, बिल्कुल वो करूएतेलाल कमेटी का तो चेयरमैन नहीं बन गया था। एग्जैक्टली, होने लग गए। बात तो सिंपल सी है ना, पूरा मुल्क को फोबिया कादियानी भाई। नवी साहब गलत स्टेटमेंट देके गए और फिर उसके बाद कह रहे हैं कत्ल पे वो करेंगे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। हाँ, इस्लाम पर आइंदा जरूर आए, इस्लाम पे जरूर बात करें गालिब भाई से, कुरान की आयतें तो पढ़े, उसमें जो गाली गलोच लिखा हुआ है कत्ल करो, ये क्या कहां से आता है भाई? बिल्कुल, चलें ठीक है, चलें थैंक यू जी, चलें ठीक है जी, थैंक यू आप दोनों का। बस मैं इसको थोड़ी देर को एंड भी करूंगा, ठीक है। तो आप दोनों अपना बड़ा गालिब भाई, मैं रह सकता हूं कॉल पे, मैं फ्री हूं, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं रह सकता हूं साथ। चलें ठीक है, ठीक है फिर, चलें। और ये थैंक यू, फिर करेंगे बात। अच्छा जी।